सो so, अभी तक हमने काफी डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर किया है तो इससे आपको आइडिया होता है कि वर्ड कितना ही एक ईजी टू यूज़ बट येट इट्स सच अ पावरफुल सिस्टम वर्ड प्रेस आप क्या क्या नहीं कर सकते आप वेबसाइट्स बना सकते हैं आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं आप इसकी एस कर सकते हैं आप इस पर कॉन्टेंट डाल सकते हैं आप यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं आप ऑथर्स क्रिएट कर सकते हैं भाई ये तो पूरी एक बड़ी डिटेल्ड कहानी है जस्ट लाइक अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बट एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स बट इजी टू यूज एन वेरी पावरफुल सिस्टम इसीलिए वर्ड प्रेस को कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है जो हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया बट इन दिस टॉपिक वी वॉन्ट टू फोकस ऑन द विजल साइड ऑफ वर्ड प्रेस वो साइड वर्ड प्रेस की जो अभी तक शायद हमने इतनी डिटेल में डिस्कवर नहीं की एंड दैट साइड इज स्लाइडर्स और मैं ऑब्वियसली जाऊंगा डिटेल में आई वॉन्ट टू शो यू वट वर्ड प्रेस स्लाइडर्स आर हाउ दे वर्क एंड कैसे ये आपकी वेबसाइट में चार चांद लगा सकते हैं बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू डू अ रिकैप ऑफ द विजुअल साइड ऑफ वर्ड प्रेस इन टर्म्स ऑफ थीम्स क्या आपको याद है कि थीम्स क्या होती है हो सकता है अभी तक आपने काफी डिफरेंट तरह की थीम्स ट्राई भी की हूँ थीम्स अलाउ यू टू चेंज द अपीरेंस ऑफ़ योर वर्ड प्रेस वेबसाइट विदाउट हैंडलिंग और मैनेजिंग एनी ऑफ द कॉन्टेंट भाई कॉन्टेंट को छेड़े बगैर आप वर्ड प्रेस में बड़े ही ईजीली उसका पूरा थीम जो है वो चेंज कर सकते हैं एंड इन फैक्ट दैट्स वन ऑफ द रीजन्स कि वर्ड प्रेस इज़ सो मच प्रिफर्ड बाई क्लाइंट्स एज वेल क्योंकि क्लाइंट्स को पता है कि अगर हमने इस वेबसाइट की थीम को थोड़ा सा चेंज भी करना हुआ तो हमारे कंटेंट को बिल्कुल किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा एंड हाउ यू डू दिस यू डू दिस बाय इंस्टॉलिंग अ न्यू थीम हमने आपको कुछ थीम्स यहाँ पे ट्राई कराई साथ ही साथ हमने आपको बेस्ट वर्ड की थीम्स भी ट्राई कराई हमने आपको टिप्स दी कि कैसे आप थीम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे आप थीम्स को सर्च कर सकते हैं कैसे कुछ थीम्स आर फ्री कुछ थीम्स आर पेड वी आल्सो मेड यू ट्राई अमेजिंग बिल्डर्स लाइक एलिगेंट थीम्स का जो डी वी बिल्डर है या एलिमेंटर जो एक प्लग इन है या साथ ही साथ जो साइट ओरिजिन का बिल्डर इस तरह के बहुत बिल्डर्स और बीवर बिल्डर का भी मैंने आपको बताया तो दीज आर द डिफरेंट बिल्डर्स दैट यू कैन एक्चुअली यूज टू एड मोर फंक्शनैलिटी एड मोर थीम्स टू योर वेबसाइट बट बिकॉज वी वॉन्ट टू फोकस ऑन स्लाइडर्स सो इस वाले टॉपिक में हम स्लाइडर्स की बात करेंगे एक पॉइंट जो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे मेंशन करना चाह रहा हूं वो ये है कि थीम में स्लाइडर ऐड करना है कि नहीं ये टोटली totally आपने डिसाइड करना है क्यों क्योंकि देर आर सम प्रोज एंड देर आर सम कॉन्स, और कुछ थीम में हो सकता है स्लाइडर ऑलरेडी अवेलेबल हो कुछ थीम में हो सकता है आपको स्लाइडर्स खुद ऐड करने पड़े बट फर्स्ट ऑफ ऑल भाई स्लाइडर होता क्या है वट आर स्लाइडर्स इसको दूसरे लफ्जों में हीरो इमेज भी कहा जाता है हीरो इमेज और अ स्लाइडर इज द मेन बैनर दैट समबी सीज वेन दे कम टू योर वेबसाइट तो आपकी वेबसाइट पर अगर कोई पहली दफा लॉग इन करेगा तो जो उसको टॉप पे एक बैनर नजर आएगा दैट बैनर इज नोन एज द स्लाइडर या इज ऑल्सो नोन एज द हीरो इमेज और अगर आपको याद हो कि हमने आपको रिसेंट टॉपिक्स में जब वू कॉमर्स का एक पूरा शो केस दिखाया था तो उसमें ऑल द वेबसाइट्स यूज टू हैव अ स्लाइडर और खास तौर पे ई कॉमर्स वेबसाइट्स में या मैगजीन वेबसाइट्स में स्लाइडर होना तो लाजमी है क्यों बिकॉज स्लाइडर कैन रियली कैप्चर द अटेंशन ऑफ द यूजर्स अगर यूजर की अटेंशन कैप्चर होगी तो वो आपके प्रोडक्ट या कंटेंट पे क्लिक करेंगे अगर वो आपके प्रोडक्ट या कॉन्टेंट पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन करेंगे सो so, इस पूरे यूजर फ्लो में स्लाइडर या हीरो इमेज का होना बहुत बहुत ज़रूरी है और हम आपको एक एग्जाम्पल भी देंगे इब्राहिम टॉय हाउस की दिस इज़ अ वेबसाइट दैट वन ऑफ माय फ्रेंड रंस उस पे कैसे वो स्लाइडर्स को यूज़ करते हुए अपनी सेल्स को इंक्रीज करते हैं और ऑब्वियसली इस आ, हमारे जो टॉपिक है उसमें डिफरेंट प्लग भी हम एक्सप्लोर करेंगे स्लाइडर्स के काफ़ी वैसे तो हैं प्लग स्लाइडर के जो आप ट्राई कर सकते हैं बट द वन दैट वी वॉन्ट टू ट्राई आउट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन स्लाइडर सो रेवोल्यूशन स्लाइडर अलाउज अस टू वेरी इजीली एड अ स्लाइडर टू आर वेबसाइट अब कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपके आंसर करना चाहता हूँ वो ये हैं कि अगर तो आप एक बिल्डर प्लग इन यूज कर रहे हैं तो क्या आपको स्लाइडर प्लग अलग से यूज करने की ज़रूरत है सो लेट्स इफ़ यू यूजिंग समथिंग लाइक डी वी या यू यूजिंग समथिंग लाइक एलिमेंटर डू यू नीड टू इंस्टॉल अ सेपरेट स्लाइडर प्लग इन सो द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दैट इज अ नो मोस्ट ऑफ द बिल्डर प्लग इन्स लाइक डी वी लाइक एलिमेंटर लाइक बीवर बिल्डर लाइक साइट ओरिजन ऑल ऑफ देम गिव यू बिल्ट इन स्लाइडर ऑप्शन तो आपको अलग से प्लग इन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है स्लाइडर की और मैंने आपको यह पहले भी बताया था कि जितने कम प्लग इन्स आप इंस्टॉल करेंगे उतनी आपकी साइट की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी दूसरा क्वेश्चन क्या आपके वेबसाइट पे स्लाइडर होना ज़रूरी है सो कीप दिस इन माइंड कि अगर आपकी साइट पे किसी तरह की एक ट्रांजेक्शन हो रही है तो स्लाइडर होना लाजमी है बट इफ़ योर साइट इज़ नॉट अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इट्स मोर अबाउट कॉन्टेंट तो स्लाइडर को होना ना होना उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा दीज आर जस्ट माई टिप्स सो वट वी कैन डू नाउ इज़ वी कैन टेक यू थ्रू अ लाइफ जर्नी हम एक स्लाइडर के प्लगइन जो है वो सर्च करते हैं गूगल पे हम फिर साथ ही साथ वी विल ट्राई टू इंस्टॉल वन ऑफ द स्लाइडर प्लग इंट्स एंड वी विल ट्राई टू सी कि उनकी फंक्शनैलिटी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी वेबसाइट को चार चांद लगा सकते हैं यूजिंग इमेज स्लाइडर्स और इवन वीडियो स्लाइडर्स स्लाइडर्स की हम बात कर रहे थे एक चीज़ जो मैंने शायद मेंशन नहीं की मैं दोबारा मेंशन कर देता हूं वो ये है कि स्लाइडर्स सिर्फ इमेजेस की नहीं बल्कि वीडियो के भी हो सकते हैं आई विल गिव यू टू वेरी गुड एग्जाम्पल्स टू सी कि स्लाइडर्स कैसे आपकी वेबसाइट को चार चांद लगा सकते हैं तो द फर्स्ट वेबसाइट दैट वी आर गोइंग टू सी इज कॉल्ड इब्राहिम टॉय हाउस ये बड़ी मशहूर एक यूके की साइट है मैं इसकी आपको एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ बिकॉज दिस साइट इज एक्चुअली पावर्ड बाई वर्ल्ड प्रेस और ये वो कॉमर्स पे पूरी बनी हुई है साइट एंड इनका जो पूरा बिजनेस है दैट्स एक्चुअली एंड द फाउंडर इज एक्चुअली अ पाकिस्तानी सो ये भी कुछ वर्ल्ड प्रेस के ऐसे सुपर हीरोज हैं जो कि वर्ल्ड को यूज़ करके दे आर मेकिंग मिलियंस ऑन देयर वेबसाइट सो इब्राहिम टॉय हाउस बेसिकली सेल्स इस्लामिक टॉयज टू अ वेरी बिग मार्केट इन द यू और देखें जैसे ही इनकी साइट लोड हुई है तो आपको टॉप पे एक स्लाइडर नज़र आ रहा है ये पूरी वेबसाइट इस वक्त इट इज़ पावर्ड बाय वर्डप्रेस प्रेस तो आप देख रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त एक आपको एक स्लाइडर नज़र आ रहा है जो कि फेड इन फेड आउट हो रहा है और आप इस स्लाइडर को चेंज कर सकते हैं सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ वॉट अ हीरो इमेज और स्लाइडर डज इसी तरह एक और साइट की मैं आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ विच इज स्क्रैच पेट फूड डॉट कॉम डॉट ए यू इसकी मैं आपको एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ बिकॉज जो इस साइट पर आपको स्लाइडर नजर आ रहा है दैट स्लाइडर इज अ वीडियो स्लाइडर तो आप इमेज स्लाइडर्स भी डाल सकते हैं और आप साथ साथ वीडियो स्लाइडर्स भी डाल सकते हैं तो हम ये करेंगे कि हम जाएंगे दोबारा गूगल पे एंड वी विल यूज अ सर्च क्वेरी कॉल्ड स्लाइडर फॉर वर्डप्रेस एंड आप देखते हैं जैसे मैंने ये लिखा तो मेरे सामने काफी ज्यादा प्लगइन्स आ गए वाउ स्लाइडर स्लाइडर बट व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू गो टू आर वेबसाइट एंड वी वॉन्ट टू ट्राई रेवोल्यूशन स्लाइडर तो मैं अपनी साइट पर जाऊंगा और वहां पर आई विल ट्राई टू इंस्टॉल द रेवल्यूशन स्लाइडर प्लग एंड आई ट्राई टू क्विकली सी उसकी क्या फंक्शनैलिटीज हैं जिनको यूज करके आई कैन एड ऑबियसली अ स्लाइडर टू माई वेबसाइट अगेन आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक बिल्डर प्लग इन है लाइक डी वी या एलिमेंटर तो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल अ सेपरेट प्लग इन यहाँ पर मैंने रेवोल्यूशन स्लाइडर लिखा और जैसे ही मैंने रेवोल्यूशन स्लाइडर लिखा देखेंगे कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगी स्लर की और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रही हैं तो आई एल ट्राई टू इंस्टॉल द फर्स्ट वन बाई नीवो कॉल रिस्पॉन्सिव वर्ड प्रेस इमेज स्लाइडर जैसे ही मैं ये इंस्टॉल करूँगा तो मेरे पास इसकी ऑप्शन आ जाएंगी आप देख रहे हैं कि फोर्टी थाउजेंड वेबसाइट्स इसको यूज़ कर रही हैं इट वॉज अपडेटेड वन मंथ बैक सो ऑबसली इट्स अ रिलेटिवली पॉपुलर प्लग इन और हमने आपको पहले बताया हुआ है कि नकालों से होशियार रहें हैं वैन इट कम्स टू वर्ड प्रेस प्लग इन एंड ट्राई टू यूज़ प्लग इन्स विच आर यूज बाई एटलीस्ट अलॉड ऑफ़ पीपल मतलब अगर पाँच से दस हज़ार लोग एक पर्टिकुलर प्लग इन को यूज़ कर रहे हैं सो देर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि वो प्लग इन सही होगा सो न्यू स्लाइडर का आपको यहाँ पर बटन नज़र आ रहा है मैं न्यू स्लाइडर में जा सकता हूँ एंड वहाँ पर न्यू स्लाइडर में आई कैन एड अ न्यू प्लग इन टू माई वेबसाइट जैसे ही ये सेटिंग लोड हो जाती हैं तो यू कैन सी कि वो मुझे बता रहा है कि आई हैव अ फ्यू ऑप्शन टू एड अ न्यू स्लाइडर सो आई एल जस्ट क्लिक ऑन एड न्यू एंड एड क्लिक करते ही ये मुझे एक नए स्लाइडर एड करने की ऑप्शन दे देगा मोस्ट ऑफ़ द स्लाइडर प्लग यूजली अलाउ यू टू एड स्लाइडर ऑन योर पेजेस और योर पोस्ट यूजिंग अ शॉर्ट कोड तो शॉर्ट कोड के बारे में हमने पहले जिक्र किया हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मुझे एक स्लाइडर की ऑप्शन दे रहा है मैं कन्फिगर कर सकता हूँ उसमें इमेजेस डाल सकता हूँ डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं अपलोड कर सकता हूँ सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन ऐड स्लाइडर to योर वेबसाइट देखे मैंने स्लाइडर ऐड किया आई कैन क्लिक ऑन पब्लिश और पब्लिश क्लिक करते ही मुझे ये शॉर्ट कोट डालना होगा अपने उस पेज में तो ये आपने एक सिंपल एग्जांपल देखी कि कैसे आप एक स्लाइडर इमेज ऐड कर सकते हैं अपनी पूरी वेबसाइट पे और चूंकि ये इमेज स्लाइडर है तो शायद हमें वीडियो स्लाइडर एड करने की ऑप्शन ना दे बट यू कैन गेट प्लग वेरी इजीली विच कैन लेट यू इंस्टॉल अ वीडियो स्लाइडर तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी कुछ अच्छी एग्जाम्पल्स इनको जाएँ एक्सप्लोर करें एक दूसरे के साथ सीखें ट्राई टू बी वेरी एक्टिव लर्न फ्राम ईच अदर ग्रो कनेक्ट विद ईच अदर एंड ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन विच इज़ डी जी स्किल्स डॉट पी के और हमारे साथ कनेक्ट करते रहें सीखते रहें एंड एक दूसरे के लिए आगे बढ़ें एंड लेट्स ट्राई टू मेक पाकिस्तान अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल डिजिटल विद योर हेल्प